हम एसटीएलसी के फेजेस को डिस्कस कर रहे थे, आज हम डिजाइन फेज को डिस्कस करेंगे। डिजाइन फेज के अंदर ये देखा जाता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स या नीड्स या एक्सपेक्टेशंस हैं न्यू सिस्टम से, उनको किस तरह डिजाइन करना है, हमने कंप्यूटर के अंदर किस तरह उस सिस्टम को डिजाइन करना है, उसके लिए हमें किस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है और हमें किस सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है। मसलन अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें किन किन टूल्स की जरूरत पड़ सकती है, फॉर एग्जाम्पल HTML की जरूरत है, CSS की है, JavaScript की जरूरत है, PHP की जरूरत है, तो इन टूल्स को, इन रिसोर्सेज को और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को देखा जाता है इस फेज के अंदर। डिजाइन फेज के दो आर्किटेक्चर हैं, नंबर वन है जी एल्गोरिथम, नंबर टू है फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है, यानी किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया जाता है तो उसके जो लिस्ट ऑफ स्टेप्स होते हैं वो उसका एल्गोरिथम कहलाते हैं। फ्लो चार्ट किसे कहते हैं, उस एल्गोरिथम की जो सिंबॉलिक फॉर्म है, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की, उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। अब हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमने थ्री नंबर्स की एडिशन करनी है, उनको मल्टीप्लाई करना है और उन नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का हमने एल्गोरिथम डिजाइन करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, जब हम अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट स्टेप होता है कि हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट हो चुका है, और जब हम अपने एल्गोरिथम को एंड करते हैं तो लास्ट जो स्टेप होता है वो स्टॉप या एंड स्टेप होता है। तो एल्गोरिथम हमारा स्टार्ट होता है, उसके बाद सेकंड स्टेप में जाते हैं जी, वो थ्री नंबर्स हमने इनपुट करने हैं, जिन नंबर्स की हमने एवरेज मल्टीप्लीकेशन और एडिशन फाइंड आउट करनी है। तो वो नंबर्स किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, ए बी सी, ये यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जो कि थ्री डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज हो रहे हैं। लेट्स सपोज पहली जो वैल्यू है वो ए वेरिएबल के अंदर, दूसरी वैल्यू बी वेरिएबल के अंदर, और जो थर्ड वैल्यू है वो सी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। उसके बाद थर्ड स्टेप में जाते हैं, हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं। नंबर्स को ऐड करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी, इन तीन नंबर्स को ऐड करेंगे और इस ऑपरेटर के जरिए, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, इसके जरिए यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो इस वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। जो इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होगा उसको असाइन किया कर दिया जाएगा। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये हमारी इक्वेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक इसका राइट साइड है, एक इसका लेफ्ट साइड है। जब भी ये इक्वेशन आती है जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा होता है तो हमारी इक्वेशन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, और सबसे पहले राइट साइड को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है, जिस तरह के हमारे थर्ड स्टेप में है। यहाँ पे इनको, इनकी एडिशन होगी नंबर्स की, इनमें जो वैल्यूज है उनको ऐड किया जाएगा और रिजल्ट जो है इस ऑपरेटर के जरिए यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको असाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, इन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया और अगेन इस ऑपरेटर के जरिए यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो इस पी आर ओ वेरिएबल को असाइन कर दिया, यानी प्रोडक्ट के लिए मैंने वेरिएबल लिया पी आर ओ, तो मेरा जो सम का रिजल्ट है एडिशन का वो सम वेरिएबल के अंदर, जो मल्टीप्लाई का रिजल्ट है वो पी आर ओ वेरिएबल के अंदर स्टोर है। उसके बाद मैंने एवरेज कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला लगाऊंगा
यहां पे जो मेरे पास रिजल्ट आया था एडिशन का वो सम वेरिएबल में है, सम डिवाइडेड बाय 3। यहां पे सम को डिवाइड करेगा 3 पे और रिजल्ट जो है वो इस ऑपरेटर के जरिए इस एवीजी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, एवीजी के अंदर एवरेज कैलकुलेट होके स्टोर हो जाएगी। अब मेरे पास तीनों जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही हैं, सम भी, प्रोडक्ट भी और एवरेज भी। अब मैंने इन वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है जो इन वेरिएबल्स के अंदर रिजल्ट पड़ा हुआ है मेरा, तो डिस्प्ले या राइट लिख के मैं इन वेरिएबल्स को लिख दूंगा, सम की वैल्यू को डिस्प्ले कर दो, प्रो के अंदर यानी प्रोडक्ट के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है वो डिस्प्ले कर दो और एवरेज एवीजी के अंदर पड़ा हुआ है उसको डिस्प्ले कर दो। उसके बाद मेरा जो एल्गोरिथम है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक एल्गोरिथम है जो ये जो लिस्ट ऑफ स्टेप्स इसमें यूज हुए हैं इनको एल्गोरिथम कहा जाता है। लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। अब चलते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। फ्लो चार्ट कहते हैं एल्गोरिथम को सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करने को या पिक्चर के जरिए रिप्रेजेंट करने को। हर सिंबल का एक खास मीनिंग है, उनको हम डिस्कस करते हैं इस स्लाइड के अंदर। इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन सिंबल है जी ओवल शेप। ओवल शेप इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट। जब हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है या एंड करना है तो उसके लिए ये ओवल शेप यूज होगी। उसके बाद है एरो। एरो सिंबल यूज होता है दो स्टेप्स को कनेक्ट करने के लिए। दो अगर स्टेप्स को मैंने कनेक्ट करना है तो उसके लिए मुझे एरो लाइन यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सिंबल इज यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट। अगर मैंने इनपुट करना है, वैल्यूज को इनपुट करना है या उनके रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए पैरेललोग्राम सिंबल यूज की जाती है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप इज यूज फॉर प्रोसेसिंग। अगर मैंने कुछ कैलकुलेशन की है और रिजल्ट असाइन किया है उसके लिए रेक्टेंगल शेप यूज की जाती है। नेक्स्ट है डायमंड शेप। डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल अगर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और मैंने किसी एक ऑप्शन की तरफ जाना है तो उसके लिए डिसीजन सिंबल यूज की जाती है। यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं, स्टूडेंट पास है या फेल है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं और एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए फिर डिसीजन सिंबल यूज की जाती है। तो मल्टीपल ऑप्शन के लिए जो सिंबल है वो है डायमंड शेप। तो ये फ्लो चार्ट के अंदर यूज होने वाली सिंबल्स हैं। अब हम एक फ्लो चार्ट को डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि गिवन नंबर का फैक्टोरियल किस तरह फाइंड आउट करना है, जिसके लिए यहां पे वो स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो लिस्ट ऑफ स्टेप्स जो कि फैक्टोरियल को फाइंड करेंगे। यूजर के गिवन नंबर का अगर फैक्टोरियल फाइंड करना है तो उसके लिए ये लिस्ट ऑफ स्टेप्स लिखे हुए हैं। इन लिस्ट ऑफ स्टेप्स की मदद से मैं किसी भी डिजिट का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकता हूं। अब हम समझते हैं कि इसका फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन होगा। लेट्स जब मैं अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करता हूं तो जब यहां पे फ्लो चार्ट की तरफ जाऊंगा तो उसको मैं ओवल शेप में लिखूंगा स्टार्ट। ओवल शेप में मैंने लिख दिया स्टार्ट क्योंकि ओवल शेप जो है वो फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए यूज की जाती है। तो ये देखें मैं फ्लो चार्ट को जब स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं ये सिंबल यूज कर रहा हूं ओवल शेप। उसके बाद मैं एरो लाइन यूज कर रहा हूं। एरो लाइन किस मकसद के लिए यूज होती है, जब हम दो स्टेप्स को कनेक्ट करते हैं। मेरे पास दूसरा स्टेप है इनपुट या रीड एन। मैंने एक वैल्यू इनपुट करनी है जिसको एक एन वेरिएबल में मैंने स्टोर करवाना है। तो वैल्यू इनपुट करनी है या रीड करवानी है तो उसके लिए इनपुट या रीड के लिए या प्रिंट के लिए डिस्प्ले के लिए जो सिंबल यूज की जाती है वो है पैरेललोग्राम। तो इनपुट के लिए कौन सी सिंबल है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में मैं लिख दूंगा इनपुट या रीड एन, एन की वैल्यू को इनपुट कर दो। उसके बाद थर्ड स्टेप में जाते हैं जो कि प्रोसेसिंग के लिए यूज हो रही है ये सिंबल। इसके जरिए मैं वन की वैल्यू को आई के अंदर
प्रोसेस करवा रहा हूँ, स्टोर करवा रहा हूँ, और यहाँ पे आई की वैल्यू को फैक्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। तो ये प्रोसेसिंग सिंबल मुझे यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं फ्लो लाइन के जरिए एरो लाइन जो है इसके जरिए थर्ड स्टेप जो है वो रेक्टेंगल शेप यूज करूंगा, जिसमें ये स्टेप मैं लिख दूंगा आई इज इक्वल टू वन, फैक्ट इज इक्वल टू आई। उसके बाद स्टेप नंबर फोर में क्या है, स्टेप नंबर फोर में अगेन जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और ये जो है रिजल्ट इस ऑपरेटर के जरिए यहाँ पे असाइन हो रहा है। यहाँ पे भी वही है, प्लस हो रहा है, एडिशन हो रही है और रिजल्ट असाइन हो रहा है इस ऑपरेटर के जरिए। तो यहाँ पे मैं सिंबल यूज करूंगा रेक्टेंगल, प्रोसेसिंग सिंबल यूज होगी या रेक्टेंगल शेप यूज करूंगा और ये स्टेप यहाँ पे मैं लिख दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इफ है, यानी कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर ये ट्रू है तो स्टेप ये चले, अगर ट्रू नहीं है तो इस स्टेप पे आ जाए। यानी यहाँ पे मेरे पास चॉइसेस हैं अब, और मल्टीपल चॉइसेस में आपको बताया जा चुका है कि आपको ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, जब हमारे पास चॉइसेस होंगी तो फिर हमने डिसीजन सिंबल यूज करेंगे। हमने डिसीजन सिंबल यूज करनी है, डिसीजन सिंबल में हम लिख देंगे अगर ये ट्रू है तो ये स्टेप यूज हो, अगर ये ट्रू है तो कंट्रोल इधर चला जाए, यानी यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, और अगर ये ट्रू नहीं है तो नीचे आ जाए। नीचे क्या है जी, हमने अब वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। किसकी वैल्यू को, जो फैक्ट वेरिएबल के अंदर जब डिस्प्ले करवाना है या प्रिंट करवाना है तो मैं कौन सी सिंबल यूज करूंगा, पैरेललोग्राम। उसके बाद फिर वो फ्लो लाइन या एरो लाइन, और उसके बाद मैं अपना, क्योंकि मेरे पास फैक्टोरियल फाइंड आउट हो चुका है, तो उसके बाद मैं अपने फ्लो चार्ट को एंड करूंगा किस सिंबल के जरिए, ये जो मेरे पास ओवल शेप है इसके जरिए। तो ये मेरे पास फ्लो चार्ट था जिसके सिंबल को हमने अंडरस्टैंड किया कि किस सिंबल का क्या मकसद है और कैसे यूज हो रही है। तो ये था डिजाइन फेज एसटीएलसी का।